सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीलेट फोर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत आपके पवन सीरीज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने तीन पार्ट में क्वेश्चन नंबर 150 तक यानी कि 150 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, सारे के सारे अति लघु उत्तरीय। तो उन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा और यहाँ पर आज हम पार्ट फोर स्टार्ट कर रहे हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 151 से आप पार्ट फोर पढ़ोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, मौसमी पवने किन्हें कहते हैं या किसे कहते हैं? मौसमी पवने क्या होती है? देखिए, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तब भारत में शीत ऋतु होने के कारण हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, मौसमी पवने कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 152 है यानी कि 152 है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो भारत की जो धरातल की बनावट है वो है, हिमालय पर्वत की जो स्थिति है, आपको पता है कि जो हमारा हिमालय पर्वत है वो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को हमारे देश में आने से रोक देता है, वरना यहाँ पर सब बर्फ ही बर्फ होता जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। तो इस तरीके से हिमालय पर्वत की स्थिति भी जलवायु को प्रभावित करने वाली एक कारक ही है। समुद्र से दूरी, अक्षांशीय स्थिति एवं भूमध्य रेखा से दूरी, ये तो लगभग सभी देशों की जलवायु को प्रभावित करता है अक्षांशीय स्थिति और भूमध्य रेखा से दूरी और मानसूनी पवने। क्वेश्चन नंबर 153 पे आते हैं, समताप रेखा किसे कहते हैं? तो समान तापक्रम वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में चेरापूंजी के निकट मसिनग्राम में होती है, 1142 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष यहाँ पर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। तो याद रखिएगा, मेघालय में चेरापूंजी के निकट मसिनग्राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कभी कभी ये आप लोग के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 155 है, जलवायु क्या है? जलवायु मौसम की दीर्घकालिक अवस्था का संक्षिप्त रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 156 है, मौसम क्या है? तो किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को हम वहां का मौसम कहते हैं। जैसे कि आज मौसम में कुछ बादल है या कुछ बादल छाए हुए हैं आसमान में, तो मौसम कैसा है? हम कह सकते हैं कि जो मौसम है ये कुछ बदली की तरह लग रहा है, यानी कि बादल है आसमान में तो बारिश हो सकती है, इस तरीके से हम अनुमान लगाते हैं। तो ये एक तरीके से क्या होता है, ये अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं होती हैं जो कभी भी चेंज हो सकती हैं। तो 2019 में पूछा गया है कि मौसम क्या होता है, तो किसी स्थान की अल्पकालीन यानी कि बहुत ही कम समय के लिए जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं उन्हीं को हम मौसम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 है, जलवायु के तत्वों का वर्णन कीजिए। तो जलवायु के तत्वों में तापमान, आर्द्रता, मेघ, वर्षा, वायु वेग, तूफान, ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 है, मौसम के तत्वों का वर्णन कीजिए। तो मौसम के तत्व है पवने, वायुदाब, सौर विकिरण, वायु का तापमान आदि। क्वेश्चन नंबर 159 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में सातवां स्थान है, भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन नंबर 160 है, मैकमोहन रेखा क्या है? तो भारत और चीन के बीच हिमालय की दुर्गम श्रेणियों से होकर गुजरने वाली सीमा रेखा को ही हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा कि मैकमोहन रेखा जो है ये किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और चाइना के बीच में है, अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 161 है, भारतीय धरातल का स्वरूप कैसा है? तो भारत के धरातल में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है, यहाँ पर ऊंचे पर्वत, गहरी घाटियां, बड़े बड़े मैदान, चौड़े पठार तथा अनेक द्वीप हैं। क्वेश्चन नंबर 162 है, भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? तो भारत ही नहीं संसार की सबसे ऊंची चोटी अगर हम बात करें तो कौन है, आप सभी को पता है कि एवरेस्ट शिखर है, जो कि जिसकी ऊंचाई क्या है, 8848 मीटर है और ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, अगर यहाँ पर प्रश्न होता तब हम क्या देते हैं आंसर, एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, 8848 मीटर है और ये नेपाल में स्थित है।
तो अगर हम भारत की बात करें तो K2 जिसे हम गाडविन आस्टविन कहते हैं या कंचनजंगा कहते हैं, ये सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कंचनजंगा। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। K2 इस तरीके से भारत की पूछेगा तो कंचनजंगा है, और अगर संसार का पूछेगा, विश्व का, देखिए यहाँ पर भारत ही नहीं, संसार की सबसे ऊंची चोटी, संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है। और एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में स्थित है। तो ये भारत का नहीं है, भारत का इसके बाद, एवरेस्ट के बाद नंबर आता है कंचनजंगा, K2। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा 100 रुपए की नोट में एक इस तरीके से पहाड़ बना होता है, तो वो पहाड़, वो जो चोटी है, वो कंचनजंगा ही है। ये पुराने वाले नोट की बात कर रही हूं मैं, जो नए वाले नोट है उनकी बात नहीं कर रही हूँ। 100 के पुराने नोट जो होंगे आपके पास पहले के, उन पे आप देखोगे तो एक पहाड़ बना होता है। क्वेश्चन नंबर 163 है, दून घाटी क्या है? लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच कई विस्तृत घाटियां हैं जिनमें दून घाटी प्रसिद्ध घाटी है। क्वेश्चन नंबर 164 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 है, सुंदरबन किसे कहते हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के डेल्टा क्षेत्र में सुंदरबन पाए जाते हैं, इन्हें ज्वारी वन भी कहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के डेल्टा क्षेत्र में सुंदरबन पाए जाते हैं और इन्हें हम ज्वारी वन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 है, भारतीय मरुस्थल किसे कहते हैं? तो उत्तर भारत में मैदान के दक्षिण पश्चिम में अरावली की पहाड़ियों से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक का प्रदेश भारतीय मरुस्थल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 166 है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारत की सबसे बड़ी, खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो है सांभर झील नहीं, बल्कि क्या है? चिल्का झील है। ठीक है, और ये चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील है उड़ीसा में। ठीक है, याद रखिएगा, ये किस प्रदेश में है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा, ये चिल्का झील के बाद सांभर झील का नंबर आता है। ठीक है, तो खारे पानी की देश की सबसे बड़ी जो झील है वो है चिल्का झील। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? तो 40% है, और ये अब बढ़ा ही है परसेंटेज, और घटा नहीं है, क्योंकि 2011 में जनगणना हुई थी तो उसके आधार पर ये होगा, तो इस वजह से जो परसेंटेज है वो और बढ़ा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 168 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 169 है, भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो यह उत्तर में 8°4′ उत्तरी अक्षांश से, 37°6′ उत्तरी अक्षांश तथा 67°7′ पूर्वी देशांतर से 97°25′ पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 170 पे आते हैं, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर। तो किलोमीटर के आगे यहाँ पर होगा वर्ग किलोमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल को हम हमेशा वर्ग में मापते हैं, वर्ग मीटर या वर्ग किलोमीटर या वर्ग सेंटीमीटर। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 171 है, कोयला भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मिलता है? तो झारखंड राज्य में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 172 है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये असम में है। क्वेश्चन नंबर 173 है, परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर में। क्वेश्चन नंबर 174 है, कल्पक्कम में क्या स्थापित है? यहाँ पर होना चाहिए था, तो परमाणु ऊर्जा केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 175 है, कोटा रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो राजस्थान में, राजस्थान के कोटा में बच्चे नीट और IIT JEE की तैयारी करने जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 176 है, विश्व का प्रथम सौर बिजली घर भारत के किस नगर में स्थापित है? तो मुंबई में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 177 है, बॉम्बे हाई क्या है? तो ये खनिज तेल क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 178 है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 179 है, अंकलेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तो अंकलेश्वर खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 180 है, झरिया क्यों प्रसिद्ध है? तो ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ पर कोयले की खदानें होती है, यहाँ पर कोयला
निकाला जाता है, कोयले की माइनिंग होती है। और एक गाने में भी दोस्तों, भोजपुरी गाने में भी झरिया शब्द आया होगा, आप लोगों ने इस गाने को सुना भी होगा। तो ये जो गाना है ये यहीं से लिया, इसी जगह से लिया गया है, क्योंकि बहुत सारे यूपी बिहार के लोग यहाँ झरिया में कमाने जाते हैं, तो इस वजह से इसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है, कोयले की खदानें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 181, रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 182 है, तांबा उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो झारखंड। क्वेश्चन नंबर 183 है, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 184 है, कोलार सोने की खान कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 185 है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 186 है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो लौह अयस्क से है, ये लोहे का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 187 है, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी फसलें होती हैं? तो तीन प्रकार की फसलें होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। क्वेश्चन नंबर 188 है, जायद की फसलों में क्या क्या बोते हैं? तो जायद की फसलों के अंतर्गत ककड़ी, खीरा, परवल, लौकी, मूंग, लोबिया आदि बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 189 है, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई? तो वर्ष 1951 में पुरातत्व एवं पुरास्थलों में लोक रुचि जगाने के उद्देश्य से लखनऊ में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 190 है, सारनाथ संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1904 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 191 है, राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो राजकीय संग्रहालय की जो स्थापना है वो की गई तो 1874 में किया गया था, राजकीय संग्रहालय की स्थापना। कहीं कहीं दोस्तों 85 भी देता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 192 है, ललित कला अकादमी लखनऊ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसकी स्थापना दृश्य कलाओं एवं व्यवहारिक कलाओं की गतिविधियों एवं कलाकारों को प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान करने के लिए की गई। वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त शासी इकाई के रूप में कार्य कर रही है। क्वेश्चन नंबर 193 है, कुंभ मेला कब लगता है? तो ये हर 12वें वर्ष पर लगता है और हर 6 वर्ष पे अर्ध कुंभ लगता है, आपके प्रयागराज में लगता है, आप सभी लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 194 है, उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी लखनऊ की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 13 नवंबर 1963 को। क्वेश्चन नंबर 195 है, प्रदूषण के प्रकार बताइए। तो प्रदूषण के निम्नलिखित प्रकार है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 196 है, पर्यावरण का अर्थ बताइए। तो पर्यावरण हमारे चारों ओर फैला हुआ परिवेश या वातावरण होता है। क्वेश्चन नंबर 197 है, पर्यावरण के कारकों का संक्षिप्त में वर्णन करिए। तो भौतिक कारकों की अगर हम बात करें तो मृदा यानी कि मिट्टी, जल, वायु और सौर ऊर्जा तापक्रम है, और अभौतिक में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव और स्थलाकृति आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 198 है, पर्यावरण प्रदूषण के अर्थ को समझाइए। तो यह वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, जल, वायु दूषित हो जाएं तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दें, यही है पर्यावरण प्रदूषण। जो हम खाना खाएं वो हम शुद्ध ना खा पाएं, जो हम पानी पिए वो शुद्ध ना हो, जो सांस लें वो ना शुद्ध हो, तो ये क्या है, एक तरीके से पर्यावरण प्रदूषण ही है। क्वेश्चन नंबर 199 है, वायु प्रदूषण क्या है, इसके स्रोत क्या है? तो वायु में गैसों की निश्चित मात्रा होती है, यदि किन्हीं कारणों से किसी गैस की मात्रा अधिक हो जाती है तो इसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। इसके स्रोत हैं आंधी, तूफान, प्राकृतिक स्रोत और मानवीय स्रोत। क्वेश्चन नंबर 200 दोस्तों देखिए यहाँ पर है, जल प्रदूषण के प्रभाव बताइए। तो अवांछित अवशिष्ट पदार्थों के जल में मिलने से अनेक भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन आ जाते हैं। जल प्रदूषण से जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु तो प्रभावित होते ही हैं, मनुष्य भी अत्यधिक प्रभावित होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर दूषित जल का हम प्रयोग करेंगे तो उससे विभिन्न प्रकार के जो बीमारियां हैं वो हो जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो जल प्रदूषण है, इसकी वजह से जो जीव जंतु रहते हैं जल में, उन्हें भी बहुत दिक्कतें होती हैं, और जो जो लोग उस जल का पोषण करते हैं
यानी कि उसको पीते हैं उनको भी विभिन्न प्रकार तक की बीमारियां होती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल पार्ट 4 हमने कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में हम पार्ट 5 भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरे के पूरे जो अतिलघु उत्तरी प्रश्न है ये बहुत ही अधिक है मात्रा में दोस्तों। तो इनको हम 50-50 में पढ़ रहे हैं, हर पार्ट में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपके टोटल 200 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। तो उम्मीद करती हूँ क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। क्लासेस अच्छी लग रही तो लाइक करिएगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जहाँ कहीं कोई भी प्रॉब्लम है जरूर कमेंट करिए दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए और ढेर सारी क्लासेस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर करते रहेंगे। अगर आपको 8 के 8 विषयों की क्लासेस यानी कि क्लासेस के साथ साथ सारे विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, इस पर कॉन्टेक्ट करके इस नंबर पर आप सारी जानकारी ले सकते हैं ऐप के बारे में। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमेशा हमसे जुड़े रहिए दोस्तों। जहां कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे शेयर करते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर करते रहिए। जय दोस्तों।